सफल होने के तीन नियम, सफल होने के तीन नियम, खुद से वादा, मजबूत इरादा और मेहनत ज्यादा। हेलो स्टूडेंट, मैं नवनीत रंजन स्वागत करता हूँ आपको मैथ मित्रा के इस चैनल में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ मस्त और खुश होंगे। आज का जो ये हमारा वीडियो होगा वो पॉलीनोमियल क्लास 9 के पॉलीनोमियल के रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर होगा। पिछले वीडियो में हमने पॉलीनोमियल बेसिक इंट्रोडक्शन को समझा था, इसके अलावा डिविजन एल्गोरिथम से रिलेटेड टॉपिक को समझा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूँ, आप वहां से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम को। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो आइए समझते हैं रिमाइंडर थ्योरम को। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि लेट px, कोई px कोई एक पॉलीनोमियल है। सपोज कीजिए कि कोई भी एक px पॉलीनोमियल है जिसमें px कहने का मतलब क्या है कि उसमें कौन सा वेरिएबल दिया होगा, आपका x वेरिएबल दिया होगा, जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज्यादा है। डिग्री हमेशा 1 या 1 से ज्यादा होनी चाहिए। लेट अल्फा बी एनी रियल नंबर, अल्फा कोई रियल नंबर है। If px is divided by x minus alpha, अगर px को हम x minus alpha से डिवाइड करते हैं, then the remainder is p alpha, यानी कि ये उसका रिमाइंडर जो होगा p alpha के बराबर होगा। ये तो बात हो गई कि जो लिखा हुआ उसको मैंने समझाया। सिंपल सी बात में अगर हम कहें कि अगर हम x minus alpha से डिवाइड करते हैं, px को x माइनस अल्फा से डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर वही हमारा बचेगा, हमारा रिमाइंडर वही बचेगा अगर हम x माइनस अल्फा का जीरो निकाल ले, x माइनस अल्फा का जीरो निकाल ले, यानी कि x इक्वल टू अल्फा हो गया और इस x का वैल्यू हम px में पुट कर दें, इस x का वैल्यू हम px में पुट कर दें, यानी p अल्फा अगर हम निकाले तो जो हमारा वैल्यू आएगा पी अल्फा का वही हमारा यहाँ पे रिमाइंडर आएगा, वही हमारा यहाँ पे रिमाइंडर आएगा। फिर से एक बार और इस चीज को अच्छे से समझते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि दिया हुआ है कि फाइंड द रिमाइंडर, रिमाइंडर फाइंड कीजिए व्हेन द पॉलीनोमियल, अगर पॉलीनोमियल पी एक्स कुछ इस प्रकार है, इज डिवाइडेड बाई जी एक्स, कोई पॉलीनोमियल जी एक्स से डिवाइड किया जा रहा है जहां पे जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू दिया हुआ है, तो हमको पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करना है। सिंपल सी बात है, तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, ऊपर वाले में बात में आइए, तो हमने क्या किया, ये जो नीचे वाला है जो हमारा डिविजर है उसका हमने जीरो निकाला, डिवाइजर का हमने जीरो निकाला, तो यहाँ पे हम निकालेंगे जी एक्स का जीरो, gx का जीरो निकालेंगे, यानी gx का वैल्यू क्या है हमारा x माइनस टू है, x माइनस टू इक्वल टू जीरो, यानी x इक्वल टू हमारा टू हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको अगर हम पुट करेंगे px में, यानी हम अगर p अल्फा निकालते हैं, इस x का वैल्यू हम कहां पुट करेंगे, इस px में पुट करेंगे, तो px हमारा क्या दिया हुआ, px इक्वल टू x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 दिया हुआ है। अगर इस x का वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं p2 अगर निकालते हैं तो यहाँ पे 2 टू द पावर 4 प्लस 2 इंटू 2 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 ऐसा कुछ आता है। आगे हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हम देखते हैं 2 का पावर 4 हमारा हो जाएगा 16 प्लस, ये भी हमारा 2 का पावर 4 हो गया, यानी कि 16, ये 2 का पावर 4 कैसे, 2 का पावर 1 इंटू 2 का पावर 3, हम जानते हैं कि एक्सपोनेंट वाले में, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में हम जानते हैं कि अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाते हैं, तो 1 प्लस 3 इक्वल टू 4, यानी कि 2 का पावर 16, ये 2 का पावर 4 ही हो गया। अब यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 हो गया हमारा प्लस 2 माइनस 1, इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये 32 और 2 34 हो गया, ये माइनस 13, इसको आगे सॉल्व करते हैं तो हमारा आ जाता है 21। अगर हम इस px को gx से डिवाइड करेंगे, अगर हम px को gx से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 21 आएगा। चलिए इसको हम डिवीजन से एक बार समझ लेते हैं, इसको हम डिवीजन से समझते हैं एक बार यहाँ पे। तो देखिए अगर हम डिवाइड करते हैं x माइनस टू से
तो एक्स टू द पावर 4 प्लस 2 एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइड करते हैं, तो हम एक्स क्यूब से पहले डिवाइड करेंगे तो 2 एक्स क्यूब यहां पे आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, सॉरी माइनस ये प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया, हमारा क्या हो गया 4 एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास यहाँ x है, यहाँ पे x क्यू है, हम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, हम प्लस 4 का यूज करेंगे, प्लस 4 x स्क्वायर का यूज करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाता है 4 एक्स क्यू माइनस 4 टू जा 8 एक्स स्क्वायर। आगे फर्दर सॉल्व करेंगे प्लस माइनस प्लस ये वाला हमारा पार्ट क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे हमारा आ जाता है 5 एक्स स्क्वायर प्लस x। अब यहाँ पे हमारे पास अब हम यहाँ पे 5 से जब करते हैं 5x से तो हमारे पास आ जाता है 5 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5 टू जा 10 एक्स। आगे हम प्लस ये हो गया माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 10 और 1 11 एक्स हो गया माइनस 1 हो गया। अब हमें यहाँ पे 1 एक्स है, यहाँ पे 11 एक्स है, हमको लगाना पड़ेगा 11 से। जब हमने 11 से किया तो 11 एक्स माइनस 11 टू जा 22 कुछ इस प्रकार प्लस माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 21 आया। ठीक यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर आया है वही रिमाइंडर हमारा 21 आता है। तो सिंपल सा इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको क्या करना है कि सिंपल सा जो डिवाइजर दिया रहेगा उसका जीरो निकालना है, डिवाइजर का जिससे हमें भाग लगाना है उसका जीरो निकालना है, और उस जीरो के वैल्यू को यानी कि उसके वैल्यू को वहां पे जो x का वैल्यू आएगा उस वैल्यू को हमें यहाँ पे px में यानी कि डिविडेंड में पुट कर देना है। जो डिविडेंड में पुट करने के बाद जो वैल्यू हमारा यहाँ पे आ जाता है वही हमारा रिमाइंडर होगा, यही हमारा रिमाइंडर कहता है। अब इसी से रिलेटेड आपका फैक्टर थ्योरम होगा, फैक्टर थ्योरम को समझ जाएंगे, अगर हमारा रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो उसे हम फैक्टर कह देंगे कि वो हमारा उसका फैक्टर यानी रिमाइंडर कुछ नहीं बचा पूरा कट गया तो वो हमारा फैक्टर हो गया। आइए हम एक और क्वेश्चन लेते हैं जो रिमाइंडर थ्योरम का मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है उसको समझ लेते हैं, फिर हम आगे फैक्टर थ्योरम के बारे में हम बात करेंगे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो पॉलीनोमियल्स हमारे पास दिए हुए हैं, द पॉलीनोमियल्स 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 2 एंड 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस ए। दो अलग अलग पॉलीनोमियल दिए हुए हैं, उनको जब डिवाइड किया जाता है When divided by x minus 2, जब x minus 2 से डिवाइड किया जाता है तो वो सेम तरह का रिमाइंडर देते हैं, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू यानी यहाँ पे जो हमारा a दिया हुआ है उस a का वैल्यू फाइंड करें कि a का वैल्यू क्या रख दे कि हम x माइनस 2 से जब डिवाइड करें तो दोनों का रिमाइंडर सेम है। तो अभी अभी हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा, रिमाइंडर थ्योरम में हम जाने कि हम क्या करते हैं डिवाइजर का जीरोज निकालते हैं और उस जीरोज को यहाँ पे हम पुट करते हैं, जो हमारा इसका वैल्यू आता है जो हमारा उस जीरोज के वैल्यू को पुट करने के बाद पॉलीनोमियल का जो वैल्यू आता है वही हमारा रिमाइंडर होता है। तो एक कुछ मिनट के लिए मान के चलिए कि ये पी एक्स को रिमाइंडर है, तो पी एक्स इजकल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 2। इस वाले पॉलीनोमियल को मान लेते हैं कि एफ एक्स कोई है, तो एफ एक्स इक्वल टू 2x क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस ए, बस हमने ऐसे ही मान लिया है। अब क्या है कि हम सबसे पहले तो इस डिवाइजर का जीरो निकालते हैं, तो जब हम डिवाइजर का जीरो निकालते हैं यानी कि x माइनस 2 इक्वल टू जब हम जीरो निकालते हैं तो हमारा x का वैल्यू क्या आता है 2 आता है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि हमारा जो रिमाइंडर आएगा यानी कि p इस पॉलीनोमियल x में जब हम 2 का वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पे जब हम 2 का वैल्यू पुट करेंगे तो जो ये वैल्यू देंगे यानी जो ये रिमाइंडर देंगे वो दोनों सेम होने चाहिए, यानी कि हम एक बार इसको देख लेते हैं। तो हम जब 2 का वैल्यू पुट करते हैं तो 2 इंटू 2 का होल क्यू प्लस 2 स्क्वायर माइनस ए इंटू 2 प्लस 2। आगे हमारा हुआ ये हमारा 8 इंटू 2 16 हो गया प्लस 4 माइनस 2a प्लस 2, ये हमारा निकल के आएगा 22 माइनस 2a। यहां पे हम देखते हैं यहां पे जब हम 2 का वैल्यू पुट करते हैं तो 2 का क्यू माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस ए, यानी कि 2 का क्यू 8 हुआ, 8 2 जा 16 माइनस 4 3 जा 12 माइनस
सिक्स प्लस ए, यानी ये हमारा हो जाता है कि 16 में से 12 गया, 4 4 में से 6 गया, 4 में से 6 गया, यानी माइनस 2 प्लस ए। अच्छा अब क्या कह रहा है कि लिव्स रिमाइंडर सेम, यानी रिमाइंडर सेम आने का मतलब क्या है कि पी पॉलिनोमियल ऑफ टू और ये वाला दोनों सेम टू सेम होना चाहिए, यानी कि 22 माइनस 2a इक्वल टू माइनस 2 प्लस a होना चाहिए। यानी इसका मतलब अगर हम a को एक साइड कर लेते हैं और न्यूमेरिकल वैल्यू को हम एक साइड जब करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, तो 22 प्लस 2 इक्वल टू a, इस माइनस 2 को जब हम इधर भेजते तो प्लस 2 a, यानी कि 24 इक्वल टू 3a, यानी a इक्वल टू 24 बाय 3 यानी 8, यानी हमारा जो a का वैल्यू निकल के आता है वो 8 निकल के आता है। इस प्रकार ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां पे एक नंबर एक ही डिजिट से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो होते हैं सेम होते हैं। ऐसे प्रोसेस का यूज करके आप लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।